मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी सहित जनपद रुद्रप्रयाग को 195,75,16,000 लागत की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करते हुए बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि सीएम धामी आज रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि क्रीड़ा मैदान में आयोजित लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केदार घाटी के स्थानीय उत्पादों को देश विदेश में केदार ब्रांड बनाकर तैयार कर विपणन किया जाएगा। मातृ शक्ति की आजीविका सुधार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसी दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश को नई पहचान दिलाने के लिए मातृ शक्ति बड़ी अहम भूमिका निभा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर सैकड़ों की संख्या में महिला स्वयं सहायता समूहों में जुड़ी हजारों महिलाएं वर्ल्ड क्लास उत्पाद तैयार कर अपने समूह और राज्य को नई पहचान दिला रही हैं। इसी क्रम में सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में जल्द ही सख्त भू कानून लागू होने जा रहा है। जिन लोगों ने अवैध रूप से जमीनों को खरीद फरोख्त की है, उनसे जमीन वापस लेकर सरकारी भूमि में निहित किया जाएगा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। 190 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है और बहुत सारी योजनाओं की लगभग मैं समझता हूँ कि सैकड़ों योजनाएं यहाँ की स्वीकृति हुई है और जिनको घोषणाओं के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिनके शासनादेश भी निकल गए हैं, जो आने वाले समय में इस पूरे रुद्रप्रयाग जनपद में और केदार घाटी में विकास के मामले में ये सभी योजनाएं एक मील का पत्थर साबित होंगी। इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से ये जनपद हमारा आदर्श जनपद के रूप में एक तरह से प्रख्यात भी होगी, ख्याति इसकी बढ़ेगी। और हम चाहते हैं कि जो हमारा बाबा केदार का धाम है, उस केदार के धाम को पूरे विश्व के अंदर लोग उसको आस्था और श्रद्धा के केंद्र के रूप में मानते हैं, तो ये धाम हमारा हर प्रकार से जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद तेजी से नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है, वो काम उत्तराखंड काम और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं और यात्रा का जो दूसरा चरण है वो पूरी तरह से ठीक प्रकार से चले। उसके लिए जो संशोधन करने थे, जो कुछ शिथिलीकरण करना था यात्रा के प्रावधानों में, जो यहाँ पर जगह जगह बैरिकेडिंग की जाती थी, उसको भी हमने कहा है कि मिनिमम बैरिकेडिंग करें। वो कानून हम बहुत सख्त कानून के रूप में ला रहे हैं और जिन लोगों ने भी अभी तक भी जो वो कानून हमारा प्रचलित था, भूमि के जो नियम हैं, उन नियमों को जिन लोगों ने जो है थोड़ा है